अस्सलाम वालेकुम, मैं मस्त funforyou.com की जानिब से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने मोबाइल के इंटरनेट को हम अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ या किसी और मोबाइल के साथ किस तरह से शेयर कर सकते हैं। मतलब हम अपने मोबाइल का इंटरनेट किसी और मोबाइल पे, किसी और पीसी पे या किसी और लैपटॉप पे किस तरह से चला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल के ऑप्शंस की तरफ। हमारे पास एक्सपीरिया मोबाइल है तो हम उसके हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, मगर थोड़े बहुत ऑप्शंस जो है आगे पीछे हो सकते हैं। तो मैं ऑप्शन सारे बेसिक से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी आप सबसे पहले जो है अपनी स्क्रीन पे जब आप ऊपर से नीचे ड्रॉप करवाते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आते हैं, और जिसमें जो है आपके पास इस तरह से कोई बटन होता है जिसे कहा जाता है मोबाइल डेटा। आप मोबाइल डेटा पर प्रेस जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपकी इंटरनेट ऑन हो जाती है। मेक श्योर कि आपकी इंटरनेट जो है वो आपके पास मोबाइल में चल रही हो। अगर आपके पास इंटरनेट आपका मोबाइल में नहीं चल रहा तो आप अपनी सिम जो आपको सिम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कॉल करके आप अपनी इंटरनेट एक्टिवेट करवा लें। ठीक है, जब इंटरनेट एक्टिवेट हो जाए, आपके मोबाइल में चल रहा हो, तब आप मोबाइल डेटा के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल जाएगा। तो उससे आगे के ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। फिर आप आ जाएँ सबसे पहले मेनू में। जब आप मेनू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास आगे ऑप्शन आएंगे। ये सेटिंग का ऑप्शन है, आपका मोबाइल चेंज होगा तो आइकॉन चेंज हो सकता है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएंगे। अब इसमें आगे एक ऑप्शन है मोबाइल थेटरिंग का। अब इस वाले मोबाइल में जो है हमारे पास मोर में जाने के बाद वो ऑप्शन खुलते हैं इस तरह से, और आपके पास थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। अब जो मेन ऑप्शन है वो हमारे पास है थेटरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट। अब जब हम थेटरिंग और पोर्टेबल हॉटस्पॉट को क्लिक करते हैं तो हम अगली स्क्रीन पर जाते हैं जो कि इस तरह से होती है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम किस तरह से अपने मोबाइल का इंटरनेट जो है अपने पीसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूएसबी थेटरिंग। ये है यूएसबी डेटा केबल के थ्रू आपके मोबाइल के इंटरनेट को कंप्यूटर में चलाने का ऑप्शन। अगर आपके पास यूएसबी डेटा केबल है तो आप अपने मोबाइल में यूएसबी डेटा केबल डालें और अपने पीसी में डालें, और इस ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो आपका इंटरनेट आपके मोबाइल में पीसी पे चलना शुरू हो जाएगा, आपके मोबाइल का इंटरनेट पे आपके पीसी पे चलना शुरू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वाईफाई। वाईफाई का जो ये बटन है इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वाईफाई के थ्रू जो है आप अपनी इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। तो आपके लैपटॉप में वाईफाई होता है, जैसे मेरे लैपटॉप में इस तरह से है, तो ये वाईफाई आपके पास जब ऑन हो जाएगा तो आप वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब आप कहते हैं वाईफाई का पासवर्ड क्या है, तो उसको सेटअप करने के लिए आपके पास ये तीसरा ऑप्शन होता है सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट। आप इसमें जाके आपके वाईफाई का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कई और मोबाइल होते हैं जिनमें आप ब्लूटूथ के थ्रू भी इंटरनेट चला शेयर कर सकते हैं, ख्वाह आपके वो लैपटॉप में हो, पीसी में हो, जहाँ पे ब्लूटूथ होगा आप ब्लूटूथ के थ्रू भी इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन होता है ये वाला सबसे नीचे वाला, आप इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद जब आप अपने पीसी पे जाएंगे तो आपके इंटरनेट वहाँ पे चल रहा होगा। चलिए, इसके अलावा कुछ लोगों को वाईफाई का पता नहीं होता था, मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। वाईफाई असल में जब आपके पास इंटरनेट से वायर आता है तो आपके पास एक राउटर होता है जिसे हम कहते हैं वाईफाई राउटर। इस पर हमारी सबसे पहले जो इंटरनेट की वायर आ रही होती है उसको डालते हैं तो हमारी इंटरनेट चल जाती है। अब ये वाला जो राउटर होता है वाईफाई राउटर, ये वाईफाई के सिग्नल्स देता है जिसके थ्रू हमारी इंटरनेट चलती है। आजकल हमारे पास प्रिंटर वो भी वाईफाई आ गए हैं, प्रिंट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, मोबाइल्स में भी वाईफाई से इंटरनेट चल रहा है, आपके पीसीज में लैपटॉप्स में भी चल रहा है, और वाईफाई के सिंबल कुछ इस तरह से होती है जैसे ये रही। ठीक है, चलिए, हमारी ये वेबसाइट है मस्त फन फॉर यू, आप यहाँ पर आएँ उसको विज़िट करें और यहाँ पर आके आप बाकी चीज़ें भी सीख सकते हैं, यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ सवाल वगैरह पूछना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, इस पोस्ट के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करके वहाँ पे भी आप आके हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज ये रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।